हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग क्लास सेकंड के लिए लेकर आई हूँ, जो मोस्टली ओलंपियाड एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप ओलंपियाड में भाग ले रहे हो, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इन सभी में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग से रहते हैं, बाकी फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। मोस्टली क्लास सेकेंड में लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं हमारे नंबर पैटर्न एंड फिगर पैटर्न, मेजरिंग लेंथ, वेट, कैपेसिटी, मनी, टाइम एंड टेम्परेचर, फाइंडिंग एंड मिसिंग फिगर इन फर्स्ट सेकेंड पेयर ऑफ फिगर यूजिंग रिलेशन गिवन इन फर्स्ट सेकेंड पेयर ऑफ फिगर्स, कंप्लीटिंग द नंबर मैट्रिक्स फिगर मैट्रिक्स बाय आइडेंटिफाई द रूल, काउंटिंग द जियोमेट्रिकल शेप सॉलिड इन द फिगर, ऑड वन आउट एम्बेडेड फिगर। मेरी कोशिश है कि इन वीडियो में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि ओलंपियाड एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर मोर सर्कल इन ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इसमें कितने ट्रायंगल और कितने सर्कल है पहले हमें यह फाइंड करना है, उसके बाद बताना है कि ट्रायंगल से कितने ज्यादा सर्कल है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा हो गया 7। अब इसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि सर्कल कितने हो रहे हैं। चलिए सर्कल को अब हम काउंट करते हैं। ये देखिए ऊपर ट्रायंगल में 4 सर्कल हैं, तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3 एंड ये 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये हमारा हो गया सर्कल, हो गया है हमारा 24 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 17। सो माइनस करेंगे 14 माइनस 14, तो करेक्ट आंसर है 17। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ कंटिन्यू गिवन नंबर पैटर्न। ये कुछ नंबर के पैटर्न दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट पैटर्न पे क्या नंबर आएगा, यानी किस पैटर्न पे ये नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। 12, 18, 24, 30, 36, 40। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 12 प्लस अगर हम 6 करते हैं तो 18 हो गया। 18 प्लस 6 हम करेंगे तो 24 हो जाता है। फिर 24 प्लस 6 हम ले रहे हैं तो 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। तो हम देख रहे हैं कि सब में प्लस 6 का ऐड हो रहा है। तो इसी प्रकार 42 प्लस 6 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 48। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट नॉट इज एम्बेडेड। इसमें एक इमेज दिया गया, इसमें हमें बताना है कौन से ये अल्फाबेट है जो इसके अंदर फिट नहीं हो रहे। पहला है डी, चलिए देखिए ये हमारा डी बन रहा है, ये देखिए, चलिए ये एम्बेडेड हो रहा है डी। नेक्स्ट है हमारा टी, देखिए ये हमारा टी हो रहा है। फिर है हमारा एक्स, देखिए ये भी एक्स ऐसे क्रॉस हो रहा है, एक्स बन जा रहा है। और ये ई जो है ऑप्शन सी हमारा नहीं हो रहा एम्बेडेड, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ कैप इज कॉल्ड सूज, सूज इज कॉल्ड इयररिंग्स, इयररिंग्स कॉल्ड वॉच एंड वॉच कॉल्ड हैट, देन डैश इज यूज्ड टू वेयर इन हैंड। अगर हम कैप को सूज कह रहे हैं, सूज को इयररिंग्स कह रहे हैं और इयररिंग्स को वॉच कह रहे हैं और वॉच को हम हैट कह रहे हैं, ठीक है। तो वॉच को हम हैट कह रहे हैं,
देन हैट इज द यूज टू वेयर इन हैंड. तो वेयर हाथ में हम क्या पहनेंगे, तो हाथ में हम क्या पहनते हैं, वॉच. और वॉच को हम क्या कह रहे हैं, हैट. क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, वॉच को हम हैट कह रहे हैं. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, हम हैट को वॉच में हैंड में पहनेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नंबर 5. स्टडी द गिवन पिक्चर केयरफुली. ये एक इमेज दिया गया है और ये तराजू है जिससे वॉट बैलेंस किया जा रहा है. इसमें हमें बताना है डॉल इज हैवी एज द टॉय इज क्लोन. यानी इसमें से कौन सा फिगर हैवी है या लाइटर है या दोनों इक्वल है, ये हमें स्टेटमेंट चेक करना है. नंबर 1 स्टेटमेंट है डॉल इज एज हैवी एज द टॉय क्लोन. यानी डॉल जो है टॉय क्लोन के बराबर ही हैवी है. डॉल इज हाइयर लाइटर देन. इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है, अगर लाइटर जो भी ऑब्जेक्ट्स लाइटर होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी. ऊपर की तरफ किस प्रकार उठेगी, यानी वो इमेज ऐसे ऊपर जाएगी. ऊपर हल्की इमेज ऊपर उठ जाती है और भारी इमेज नीचे हो जाती है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वेट जो है हमारा एकदम इक्वल है, यानी दोनों इक्वल है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, डॉल इज हैवी एज द टॉय क्लोन. यानी दोनों इक्वल साइड में, दोनों की बैलेंस जो है इक्वल है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. सेलेक्ट द ऑड वन आउट. इसमें ऑड वन आउट कौन सा है ये हमें सेलेक्ट करना है. ये 4 इमेज दिए गए हैं, इसमें से कौन अलग है ये हमें बताना है. देखिए ए में हमारा 3 ट्रायंगल है और 3 लाइंस है. बी में 4 स्क्वायर है लेकिन बहुत सारे इमेज अलग है. और फिर 5th में भी जो है बहुत सारे लाइनिंग्स हैं. एंड डी में भी बहुत लाइनिंग है. जबकि क्या हो रहा है, ए में जो है ट्रायंगल की जितनी साइड है अंदर भी उतनी ही लाइंस है. तो ये ऑड वन आउट है सभी से. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. राहुल इज शॉर्टर देन वरुण. वरुण इज शॉर्टर देन साहिल एंड तन्मय इज टॉलर देन राहुल बट शॉर्टर देन वरुण. हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम. इसमें हमें ये बताना है. चलिए सबसे पहले इसके हिसाब से देख लेते हैं. राहुल इज शॉर्टर देन वरुण. राहुल किससे शॉर्टर है, राहुल किससे शॉर्टर है, वरुण से. और वरुण इज शॉर्टर देन साहिल. वरुण किससे शॉर्टर है, साहिल से. एंड तन्मय इज टॉलर देन राहुल. तन्मय जो है राहुल से टॉलर है. तन्मय राहुल से टॉलर है. तो यहाँ पे हो जाएगा तन्मय एंड राहुल. तो साहिल इज टॉलेस्ट. सबसे बड़ा कौन हो रहा है, साहिल. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. नंबर 8. विच इज अल्फाबेट इन द मिडल ऑफ गिवन वर्ड. ये जो वर्ड दिया गया है उसके मिडल में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है. चलिए हम देख लेते हैं. वर्ड है हमारा सिग्नेचर. तो चलिए देख लेते हैं. इधर से ये 4 लाइन्स हो रहे हैं. देखिए ये हो जाता है आपका फोर लाइन, ये हो गया और 4 लाइन ये हो गया. एस आई जी एन और टी यू आर, ये 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए. बीच में हमारा क्या हो गया, ए. तो ये हमारा मेडल में ये वर्ड है. तो करेक्ट आंसर होगा क्या हो गया, ऑप्शन सी, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. The number slanting line is given figure in. इसमें कितनी slanting line है हमें ये बताना है. अब हमें ये पता होना चाहिए slanting line क्या होती है. तो चलिए देख लेते हैं. slanting line इस तरह की जो lining होती है या इस प्रकार की lining होती है वो slanting line होती है. तो इसमें count करके हमें बताना है कितनी slanting line है.
चलिए देखिए, वन टू, ये टू स्लैंटिंग लाइन हो गई, ये टू हो गए, ये टू हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए और एक ये हो गए। तो चलिए काउंट करते हैं कितने हो गए, दो चार छ सात आठ नौ, नौ स्लैंटिंग लाइन हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द रिलेशन चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द रिलेशन एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। जिस प्रकार फर्स्ट फिगर में रिलेशन है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिगर आएगा। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, पहला ये ट्रायंगल है जिसकी थ्री साइड्स है और नेक्स्ट आगे होकर स्क्वायर हो रहा है जिसकी फोर साइड्स है, यानी एक साइड्स आगे बढ़ जाती है। उसी प्रकार यहाँ ये पेंटागोन है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेक्सागोन होना चाहिए, एक साइड्स और इंक्रीज करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हेक्सागोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर। इसमें से कौन सा शेप मिसिंग है, यहाँ ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन से। तो पहला हमारा ए है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल यहाँ कहाँ दिख रही है, देखिए ये इस टाइप के शेप ट्रायंगल हो गए। दूसरा सर्कल, ये सर्कल यहाँ दिख रहा है। तीसरा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं दिख रहा है, रेक्टेंगल, इस प्रकार के शेप रेक्टेंगल हो गए। हमारा क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसकी फोर साइड्स जो है होते हैं और इक्वल डिस्टेंस में होते हैं, ये हमारा स्क्वायर हो गया, जो इसकी चारों भुजाएं चारों साइड्स इक्वल होती है, तो ये स्क्वायर हो जाते हैं। जो स्क्वायर यहाँ पे नहीं बने हुए हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12। रजत स्टार्ट हिज मैथ्स एग्जाम प्रैक्टिस फ्रॉम 1st October 2000 इफ प्रैक्टिस फॉर फर्स्ट डे एंड ऑल संडे आर होलीडे दिस प्रैक्टिस फिनिश ऑन। रजत अगर मैथ्स प्रैक्टिस 1 अक्टूबर से शुरू करता है और यदि वह प्रैक्टिस एक डे एंड ऑल संडे आर होलीडे और सभी संडे को होलीडे होते हैं, तो देन प्रैक्टिस फिनिश किस दिन वो करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि वो किस दिन प्रैक्टिस फिनिश करेगा। इसमें जो है आपका मैथ प्रैक्टिस जो है 1 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और लास्ट हमारा जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ 1 अक्टूबर से वो स्टार्ट कर रहा है और संडे को छुट्टी रहती है, यानी कि संडे को, तो उस हिसाब से रजत स्टार्ट हिज प्रैक्टिस 1st October एंड एंड आफ्टर 15 days, 15 days आफ्टर जो है यहाँ पर है 15 days, वो कुछ मिसिंग हो गया था, एक मिनट, 15 days एंड ऑल संडे आर होलीडे, संडे को होलीडेज रहता है, एंड देन द प्रैक्टिस फिनिश ऑन। तो प्रैक्टिस जो है उसकी क्या हो जाएगी, 15 days में ऑल संडेज आर होलीडे इफ 17th October, 15 दिन इसको प्रैक्टिस करना है, 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो 15 तारीख क्या हो रहा है, 17 दिन में स्टार्ट होगी 15 दिन, तो ये संडे आपको हटा देना है, तो संडे हट जाएगा 3-7। ठीक है, ऑन सैटरडे और संडे और होलीडे होता है, तो 17 प्रैक्टिस फिनिश ऑन सैटरडे, तो इसकी प्रैक्टिस कब ख़त्म हो जाएगी, सैटरडे को, 17 तारीख को सैटरडे को इसकी प्रैक्टिस
ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक से जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए 4 और 11 है, यहाँ पर 2 संडे आ रहा है और यहाँ इधर 2 डेट बढ़ गया, तो करेक्ट आंसर हो गया सैटरडे 17 को 15 दिन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे एंड देन व्हाट डे विल बी टुमारो। चलिए इसको हम समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम करेंगे। If day before Saturday, sorry, before yesterday was Friday, यानी पहला पिछला वाला दिन जो था वो Friday था, and then that day will be tomorrow. तो next tomorrow जो है कौन सा दिन होगा, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा दिन होगा। तो पहला पिछला day जो है हमारा Friday है, फ्राइडे यस्टरडे फ्राइडे था, तो आज हो गया सैटरडे, ठीक है, और कल हो जाएगा व्हाट डे विल टुमारो, तो कौन सा दिन होगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा संडे, और डेट डे व्हाट डे इज तो हो जाएगा आपका मंडे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंडे। करेक्ट आंसर इज मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर इक्वल ग्रुप ऑफ 3 एप्पल्स ईच। तो इसमें हमें निकालना है कितने ग्रुप्स इसमें बन रहे हैं, 3 एप्पल्स के जो हैं तो कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 2, 4, 8 या 7। देखिए कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, और थ्री ग्रुप्स बन रहे हैं, और प्रत्येक ग्रुप्स में कितने एप्पल हैं ये पूछा जा रहा है, तो कितने एप्पल हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, यानी 4 एप्पल्स यहाँ पर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Which figure will complete the given pattern? ये pattern दिया गया, इसमें से कौन सा option इसमें से embedded हो जाएगा, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। चलिए इस तरह का ये question यहाँ पे ये add हो गया, और next यहाँ पे इस line से ये add हो जाता है, तो ये options क्या हो रहा है, देखिए ये option इस तरह round हो रहा है, तो ये option बन रहा है option A, so correct answer is option A. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं, मैं इस तरह की और भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।